क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। डू योर ओन रिसर्च सुन सुन के मैं थक चुकी हूँ, मेरे कान पक गए। क्रिप्टो इंडस्ट्री में कोई सीधा सीधा बताता ही नहीं है कि करना क्या है। DYOR, डू योर ओन रिसर्च का गाना गाते रहते हैं। तो मैंने भी डिसाइड किया कि यार DYOR ही करते हैं, चलो अब और क्या कर सकते हैं। सो व्हाइल आई वाज एट इट, आई फाउंड द टॉप 7 क्रिप्टोज टू वॉच आउट फॉर इन दिस मंथ ऑफ 2022 एंड आई वाज लाइक, लेट्स नॉट बी सेल्फिश हियर एंड लेट्स जस्ट डिस्कस दिस एंड शेयर दिस विद अदर पीपल, लेट्स नॉट गेट कीपर। तो यार वही करते हैं। हेलो हाय नमस्ते, दिस इज रिया यादव एंड विदाउट एनी फर्दर अडू चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना DYOR। तो साहिबान कदरदान, जरा गौर फरमाइए। सबसे पहला क्रिप्टो दैट आई एम डेफिनेटली लुकिंग आउट फॉर इन दिस मंथ एंड सो शुड यू आई थिंक इज बिटकॉइन विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों बता रही हूँ अबाउट द मार्केट कैपिटलाइजेशन, बट वेल बताना ज़रूरी है क्योंकि बिटकॉइन हैज सीन सम अप्स एंड डाउन्स इन दिस मंथ। सो वाई शुड यू लुक आउट फॉर दिस एसेट? अब वो तो वेल हम सब DYOR से समझेंगे, बट इसीलिए क्योंकि इतने लंबे बेयर मार्केट साइकिल के बाद बिटकॉइन का प्राइस फाइनली थोड़ा ऊपर मूव कर रहा है। क्या आपको पता है क्रिप्टो वॉलेट एड्रेसेस होल्डिंग मोर देन 1 फुल बिटकॉइन रीच्ड 8,92,800। ये अभी तक का ऑल टाइम हाई नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं जिनके पास एक पूरा बिटकॉइन है। काश हम सबके पास भी होता यार। कुछ वीक्स पहले अगस्त में ही बिटकॉइन ने अपना मंथ हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम रीच करा था, विच वाज $2.5 बिलियन। आर एन दीज गुड इनफ रीजंस टू वॉच आउट फॉर बिटकॉइन? मेरे लिए तो है भैया, इसीलिए मैं ये अपने रिसर्च में डाली हूँ। एक और रीज़न है जिसकी वजह से मैं बिटकॉइन को इतने क्लोजली फॉलो कर रही हूँ और वो है RCA, विच इज़ रूबी कॉस्ट एवरेजिंग। मैं बेसिकली अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हूँ ताकि मैं RCA कर पाऊँ बिटकॉइन पर आप पहले अपने पोर्टफोलियो हेल्थ देखना, अपना रिस्क एपिटाइट कैलकुलेट करना और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। आपका पोर्टफोलियो और मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी डिफरेंट हो सकता है और नेचुरली उस पर इम्पैक्ट भी काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। यहाँ मैं आपको अपना POV शेयर कर रही हूँ, पर आप अपना DYOR ज़रूर करना। द नेक्स्ट क्रिप्टो इन माई वॉच लिस्ट इज इथीरियम। इथीरियम का मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज दिस। रिसेंटली इथीरियम ने काफ़ी प्राइस सर्च देखा। इथीरियम मर्ज को इसका वन ऑफ द मेन रीजंस कंसिडर किया जा रहा है। इथीरियम में आने वाले अपग्रेड्स इसमें प्रेजेंट डे में धीरे धीरे इश्यूज को सॉल्व कर देंगे। इसकी वजह से इथीरियम और भी फास्ट और एफिशिएंट हो जाएगा, कंजेशन भी कम हो सकती है और गैस फीस भी कम होने लगेगी एंड नेचुरली डेली ट्रांजैक्शंस में इंक्रीमेंट आएगा। लेट्स होप फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू हैपन। इन सारे रीजंस की वजह से इथीरियम के प्राइस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है। आई एम बुलिश ऑन इट, आई एम डेफिनेटली कीपिंग अ वॉच आउट फॉर इथीरियम एंड व्हाट अबाउट यू? लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। वैसे हमने इथीरियम मर्ज पर भी एक वीडियो बनाया है जिसको आप देख सकते हो और सब कुछ समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो डिटेल में जो भी मर्ज के अराउंड चल रहा है, ऑल द चैटर ऑन द क्रिप्टो कम्युनिटीज। डू वॉच आउट दैट वीडियो एंड क्लियर ऑल द डाउट्स। ओके मूविंग ऑन, अपना नेक्स्ट क्रिप्टो टू वॉच आउट फॉर इन 2022 इज बाइनेंस कॉइन, विच इज BNB। अब बाइनेंस कॉइन में बेयर मार्केट को सर्वाइव करने का पोटेंशियल है, ये तो हम सब ने काफ़ी अच्छे से और काफ़ी बार देखा है। डिस्पाइट द क्रैश, बाइनेंस अभी भी थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन और इसका करंट मार्केट कैप स्टैंड्स एट दिस। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बाइनेंस कॉइन धीरे धीरे क्रिप्टो बिटकॉइन को भी आउट परफॉर्म कर रहा है सिंस इट कंटिन्यूड अ प्राइस डिस्कवरी फेस ड्यूरिंग द बेयर मार्केट। क्या आपको पता है देयर इज अ साइट कॉल ट्रैवल बाय बिट जहां आप अपने फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ BNB कॉइन्स एंड बेस्ट पार्ट यू कैन अर्न अप टू 10% रिवॉर्ड्स इन बिटकॉइन। ऐसा यूज केस की वजह से बाइनेंस कॉइन की डिमांड काफ़ी है मार्केट में। आई जनरली लुक आउट फॉर एसेट्स जिनकी यूटिलिटी तो अच्छी हो ही और साथ ही साथ वो सारे एसेट्स बेयर मार्केट में भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हों और उनका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा हो। उसी तरह बाइनेंस कॉइन इज वन ऑफ दीज। तो आप भी वॉचलिस्ट कर लेना CoinDCA एक्सपर्ट टू क्लोजली मॉनिटर BNB's मूवमेंट। अब अपना नेक्स्ट कॉइन है कार्डानो। उफ तेरी अदा,
I like the way you move. But on a serious note, I'm really trying to understand the way ADA is moving. ADA is one of the top crypto projects with its market capitalization standing at this number. It's also about to undergo an upgrade जिससे उसकी efficiency और भी बढ़ जाएगी. इस upgrade का नाम है Wassail Hard Fork Upgrade. वैसे वी हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द टॉप क्रिप्टो अपग्रेड्स, चेकआउट कर लेना उसको ताकि यू स्टे अहेड ऑफ द क्रिप्टो स्पेस एंड यू आर मोर अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग हियर. इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट क्रिप्टो पर जंप करें, ब्रो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो तो यार शेयर और सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो को, एंड मेक श्योर आप वो बेल आइकन ज़रूर दबा दो ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चल जाए. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्रिप्टो में नॉलेज एंड रिसर्च शुरू में होना और जल्दी होना ओवरपावर्स एवरीथिंग एल्स. Wassail Hard Fork की वजह से ADA की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगी, ये हम होप कर रहे हैं, एंड नेचुरली और भी ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क एंड ट्रांजैक्शंस इस नेटवर्क पर हो पाएंगे, और इसी वजह से इसके वॉल्यूम में इम्पैक्ट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, विच नेचुरली विल इम्पैक्ट द प्राइस ऑफ दिस क्रिप्टो एसेट. अब तो आप समझ ही गए होंगे ना व्हाई वी आर कीपिंग अ क्लोज आई ऑन कार्डानो. और रिसेंटली शार्क एड्रेसेस में 79.1 मिलियन ADA का एडिशन हुआ है. इससे हम ये डिड्यूस तो कर ही सकते हैं कि क्रिप्टो व्हेल्स एंड शार्क्स आर नेचुरली इंटरेस्टेड इन दिस क्रिप्टो एसेट. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप एन आई ऑन द मूवमेंट ऑफ दिस क्रिप्टो एसेट. अब वीडियो देखते हुए ही आप CoinDCX पर इसको वॉच लिस्ट कर सकते हो. सो जाओ, व्हाट आर यू एक्चुअली वेटिंग फॉर. So the next crypto I am looking out for in this month is Solana. Although Solana काफ़ी चर्चे में था given the recent hacks, पर इन सब के बावजूद Solana investors did not give up on them. It's like abandon नहीं किया यार हमने. Making Solana the ninth largest crypto asset by market capitalization, Solana का market cap stands at this. At the time of making this video. ये शो करता है कि इस क्रिप्टो की कम्युनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड गुड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स विद गुड कम्युनिटी एंड सपोर्ट जनरली थ्राइव इन द लॉन्ग रन. रीसेंट अपग्रेड्स के बाद सोलाना में डेली न्यू NFTs की मिंटिंग भी इंक्रीज हुई है. अ टोटल ऑफ 46.6% ग्रोथ वाज सीन हियर. वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो बेयर मार्केट के टाइम भी डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग पर फोकस करते हैं, वैसे प्रोजेक्ट्स लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. Solana is undoubtedly one of them. वैसे we've also created a detailed video on how to choose a crypto during a bear market. उस वीडियो को भी आप रेफर करके अपने बेयर मार्केट स्ट्रैटेजी बना सकते हो और शायद एस भी कर सकते हो. सो द नेक्स्ट क्रिप्टो ऑन द लिस्ट एंड मेरा पर्सनल फेवरेट इज Matic. पॉलीगॉन जिसका नेटिव टोकन है Matic, वैसे कंपनीज में है जो कॉन्स्टेंटली बिल्ड कर रहे हैं डिस्पाइट द मार्केट सेंटिमेंट. पॉलीगॉन ने रिसेंटली ढेर सारे कंपनी से टाई अप करा है एंड वेब 3 डेवलपमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है. ट्रस्ट वॉलेट ने भी रिसेंटली मेटा के साथ एक डील अनाउंस करी जिसमें वो इथेरियम एंड पॉलीगॉन बेस्ड NFTs को इंस्टाग्राम पर सपोर्ट करेंगे. अब NFTs आपको पता ही है नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं. पॉलीगॉन ने कुछ ब्लॉकबस्टर डील्स लॉक किए हैं विच इंक्लूड कोका कोला, इंस्टाग्राम एंड मर्सिडीज बेंज. इन सारे कंपनीज के साथ डील्स की वजह से पॉलीगॉन की जो पॉपुलैरिटी है वो तो बढ़ेगी ही एज वर होपिंग, और साथ ही साथ बिजनेस एक्सपेंशन की वजह से वी कैन इवन एक्सपेक्ट एन इम्पैक्ट ऑन इट्स प्राइस. पॉलीगॉन्स मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टैंड्स एट दिस, मेकिंग इट द 12th लार्जेस्ट क्रिप्टो एसेट बाय मार्केट कैप. Let us know in the comment section below what you guys think about the Matic token. हमने इस पर भी एक detailed video बनाया है. इस video से आपके Matic related doubts solve हो जाएंगे अगर कुछ भी हैं तो, और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा Matic के बारे में. अगर आपकी research के बाद you feel Matic is a good addition to your portfolio, आप इसमें CoinDCX के through investment शुरू कर सकते हो. CoinDCX also allows SIP of crypto for Matic. You can invest a sum of as small as ₹100. Awesome, right? अब अपना आखिरी crypto in the list is Avalanche. Despite the bear market and other economic factors, Avalanche is constantly thriving with a market cap of this. Recently, Avalanche का daily transactions reached its all-time high of 15 lakhs के around. और मजे की बात तो ये है कि ये Ethereum and दो layer 2 protocols के combined transactions से भी ज़्यादा है.
ऑल्सो एवलांच को रिसेंटली रॉबिनहुड प्लेटफॉर्म में भी लिस्ट किया गया था और इस वजह से वी कैन इवन एक्सपेक्ट मास अडॉप्शन ऑफ दिस क्रिप्टो एसेट. मास अडॉप्शन प्लस हाई डेली ट्रांजैक्शन एवलांच क्रिप्टो प्रोजेक्ट के पॉजिटिव हेल्थ को इंडिकेट करता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एवलांच क्रिप्टो एसेट? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर कोई ऐसा क्रिप्टो टोकन है जिसको आप क्लोजली फॉलो कर रहे हो और उसमें रियली बिलीव करते हो तो लेट अस नो इन द सेक्शन बिलो यार, क्योंकि वी ऑल गोना मेक इट गाइज. वैग मी. एंड एज ऑलवेज ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है. ये वीडियो हमने बस आपको एजुकेट करने के लिए ही बनाया है. एट ऑल टाइम्स डू योर ओन रिसर्च किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने के पहले. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी रिसर्चिंग. सी यू, बाय बाय. क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं. ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो.